अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज नूडल कबाब बना रही थी तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये नूडल हैं जो मैंने इनको उबाल लिया है। गाजर है, इसमें चॉप ये ऐड कर दी है। ये शिमला मिर्च है, ये ऐड कर दी इसमें मैंने आधी प्याली। चिकन है, इसको मैंने उबाल के रेशे कर लिए हैं, ये 1 कप के करीब है। नमक इसमें 1 चम्मच भर के जाएगा। काली मिर्च जाएगी 1/2 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चम्मच। ये ब्रेड क्रम्स हैं 2 चम्मच इसमें भर के, जो है ना खाने के 2 चम्मच। और इसमें मैंने डाले हैं, ये एक अंडा इसमें ऐड किया है। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकती हैं, जितने आपको पसंद हो कम या ज़्यादा। अजवाइन इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। इसमें चिली सॉस और सोया सॉस जाएगा, ये सोया सॉस है 1 चम्मच और 1 चम्मच इसमें चिली सॉस जाएगा। सब्ज़ मिर्च है चॉप की हुई, सब्ज़ धनिया है चॉप, अब इसको हम मिक्स करके इसके कबाब तैयार कर लेंगे, ये इस तरह साथ ही। तो ये हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके तवे पे सेक लेंगे। इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सारे तैयार हो गए हैं, अब इनको हम तवे पे सेक लेंगे ऑयल में। इनका लाइट ब्राउन कलर आएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही मज़े का इसका जो है ना ये नूडल कबाब है, ये जो तैयार होते हैं ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। अच्छी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल। अपना ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।